1000 तो पूरे राजस्थान में युवाओं के सम्मेलन होंगे, इसी तरह 1000 महिलाओं के सम्मेलन होंगे और 1000 ओबीसी के, 1000 एससी के, कर एससी के। प्रत्येक विधानसभा में ऐसे लगभग 100 नुक्कड़ सभाएं और चौपाल इस रथ के माध्यम से होंगे और बीच बीच में लगभग 10 किलोमीटर के आसपास रथ पर चलने वाले पैदल भी चल करके लोगों से संपर्क करेंगे। इस रथ में पत्रक होंगे, इस सरकार के खिलाफ एक ब्लैक पेपर होगा, उस सब भी जनता को देकर के जन जागरण का काम, जन जागरूकता का काम भी लगातार लोग करने का काम करेंगे। इस पूरे अभियान के दौरान लगभग 20,000 के आसपास चौपाल और नुक्कड़ सभाएं होंगी, लगभग 2 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य इस सब के माध्यम से हमने तय करने किया है। 75,000 किलोमीटर के आसपास कुल यात्रा इसमें पूरी करने का होगा और इस 2 करोड़ के माध्यम से सीधा संदेश जा सके, ऐसे 8 करोड़ लोगों तक अपना संदेश हम राजस्थान की जनता उस तक पहुंचाने का प्रयास हम लगातार इसमें करेंगे। इसमें मैंने कहा कि आम जन की सहभागिता, भारतीय जनता पार्टी के हर स्तर का कार्यकर्ता इसमें जुड़े, इसके नीचे तक जिला स्तर की समिति, मंडल स्तर की समिति, विधानसभा की समिति, प्रत्येक दिन के नाते अलग अलग व्यवस्थाओं की भी समिति हमने बनाई है। हम लगभग हम कोई 2 लाख कार्यकर्ताओं को सारे राजस्थान में इसके इस अभियान में जोड़ करके उनको भी सक्रिय रूप से सहभागिता बनाने का इसमें प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि यात्रा 14 को पूरा होने के बाद फिर 15 से 20 तक प्रत्येक विधानसभा में बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन होगा। अलग अलग जिले की तारीख होंगी, विधानसभाओं की तारीख होंगी, उसमें केंद्र के और प्रदेश के नेता भी उनमें रहेंगे और ये जो सभाएं विधानसभा की होंगी वो एक अच्छी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग उसमें उपस्थित हों, सरकार के खिलाफ अपनी भावनाएं जनता के सामने प्रदेश के नेता व्यक्त करेंगे। इस पूरे के माध्यम से ये जो जन आक्रोश है इसको एक ज्वार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और 23 के चुनाव से पहले हम इस पूरे वातावरण को लेकर के जाएं और इस जनता के खिलाफ आक्रोश को हम धीरे धीरे जाकर के सरकार के खिलाफ वोट में परिवर्तित कर सके, इसका प्रयास है। मुझे विषय रखना था, कोई आपका प्रश्न हो।